नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आसान और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया। न्यायिक व्यवस्था से लोगों के जुड़ाव के लिए अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा कल से शुरू। सरकारी पोर्टल जीईएम से पिछले वित्त वर्ष में रक्षा मंत्रालय की 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद। 12 से 14 आयु वर्ग के 60% से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा, गोरखनाथ मंदिर हमले का आरोपी आईएसआईएस आतंकवादियों के संपर्क में था, उसने आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन मुहैया कराया। उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष की चारधाम यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अप्रैल का महीना 122 साल में सबसे गर्म रहा। श्रीलंका में विपक्षी दल महिंदा राजपक्षे सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में आज पुरुष हॉकी के फाइनल में बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का मुकाबला गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को नवी मुंबई में 5 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं का संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। नई दिल्ली में कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में देश में ऐसी न्यायिक व्यवस्था हो जिसमें सबको आसानी से और शीघ्र न्याय मिले। अमृतकाल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। प्रधानमंत्री ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया जिससे न्यायिक व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2015 में 1,800 ऐसे कानूनों की पहचान की थी जो प्रासंगिक नहीं रहे थे। जेल में बंद विचाराधीन कैदियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसे 3.5 लाख कैदी हैं जिनमें से अधिकतर गरीब और सामान्य परिवारों से हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से कहा कि वे ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। ये सम्मेलन सहज और सुविधाजनक तरीके से न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने और न्याय प्रणाली के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श का एक अवसर है। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य स्तर पर न्यायिक अवसंरचना विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। श्री रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सम्मेलन में कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, इनमें से एक प्रस्ताव राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना विकास प्राधिकरण की स्थापना के बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा कल से शुरू हो रही है। ये इस वर्ष प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा होगी। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता 6वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे।
यूरोप यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर कोपेनहेगन जाएंगे, जहां वे दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। वे प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन के अलावा क्वीन मार्गरेट द्वितीय के साथ भी वार्ता करेंगे। दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के दौरान आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए पेरिस में रुककर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों देश अपनी सामरिक भागीदारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी पोर्टल GEM के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड खरीद की है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये राशि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 250% से भी अधिक है। अगस्त 2016 में GEM पोर्टल की शुरुआत टेंडर प्रक्रिया में सुधार और डिजिटीकरण के माध्यम से सरकारी खरीद में अधिक ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की गई थी। देश में कोविड टीकाकरण 189 करोड़ से अधिक पहुंच गया है। 23 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि किशोरों के 12 से 14 आयु वर्ग में अब तक 3,63,00,000 से अधिक टीकाकरण हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन कर्मियों और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की श्रेणियों में 2,82,00,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया है कि अब तक 12 से 14 आयु वर्ग के 60% से भी अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। एक ट्वीट में डॉ मांडविया ने इन किशोरों को शुभकामनाएं दी हैं। पिछले महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 2,86,00,000 से अधिक किशोरों को पहली डोज और 66,00,000 से अधिक को दूसरी डोज दी जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया है कि गोरखनाथ मंदिर हमले का आरोपी सोशल मीडिया के जरिए ISIS आतंकवादियों और उनसे सहानुभूति रखने वालों के संपर्क में था। कानून और व्यवस्था के अपर महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ISIS की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई देशों में पैसा भेजता था। उन्होंने ये भी बताया कि उसने यूरोप और अमेरिका में कई स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपने बैंक खातों से लगभग 8.5 लाख रूपये भेजे। गोरखपुर निवासी अब्बासी ने 3 अप्रैल को जबरन गोरखनाथ मंदिर परिसर में घुसने का प्रयास किया था। उसने सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 हवलदार घायल हो गए थे। सुरक्षा बलों ने उसे तुरंत गिरफ्तार किया। अब्बासी को 2014 में बेंगलुरु पुलिस ने ISIS की गतिविधियों में संलिप्त मेहदी मसरूर विश्वास से संबंध के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार से आरंभ होने वाली चार धाम यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट भी इस दिन खुलेंगे। इच्छुक श्रद्धालुओं को राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। कोविड परीक्षण और टीकाकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर 6 मई को और चमोली जिले का बद्रीनाथ मंदिर 8 मई को खुलेंगे। इस वर्ष चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को देखते हुए केदारनाथ मंदिर का दौरा किया और पुनर्निर्माण कार्यों और तैयारियों की समीक्षा की। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आसान और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया। न्यायिक व्यवस्था से लोगों के जुड़ाव के लिए अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा कल से शुरू। सरकारी पोर्टल GEM से पिछले वित्त वर्ष में रक्षा मंत्रालय की 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद। 12 से 14 आयु वर्ग के 60% से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा, गोरखनाथ मंदिर हमले का आरोपी ISIS आतंकवादियों के संपर्क में था। उसने आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन मुहैया कराया।
उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष की चार धाम यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अप्रैल का महीना 122 साल में सबसे गर्म रहा। श्रीलंका में विपक्षी दल महिंदा राजपक्षे सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में आज पुरुष हॉकी के फाइनल में बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का मुकाबला गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को नवी मुंबई में 5 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने कहा है कि अप्रैल में उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में गर्मी का 122 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 122 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी रही। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल में मध्य भारत में औसत अधिकतम तापमान 37.78 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में यह 35.9 डिग्री सेल्सियस था। यह सामान्य से लगभग 3.35 डिग्री अधिक है। वर्ष 1901 में पूरे भारत का औसत तापमान 35.05 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। राज्य में रात का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण राज्य के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में 2 और 3 मई को पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना है। श्रीलंका में विपक्ष और समागी जन बलावे गया एसजेबी के नेता सजीत प्रेमदासा ने कहा है कि संसद के अगले सत्र में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उन्होंने कल यक्काला में सरकार के विरुद्ध एसजेबी के समागी बाला मार्च के 5वें दिन ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजपक्षे सरकार ने 2 वर्ष के भीतर ही देश को डूबने की कगार पर पहुंचा दिया है और इस सरकार को सत्ता से तुरंत बेदखल किया जाना चाहिए। श्रीलंका अपनी आजादी के बाद अब तक के अपने सबसे गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में अनाज और ईंधन की कमी है और वस्तुओं की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। बिजली काफी समय तक कटी रहती है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोग स्थिति से निपटने में सरकार की नाकामी के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं। कोविड के कारण पर्यटन में आई कमी और गलत आर्थिक नीतियों के कारण श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार निचले स्तर पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष सरकार ने श्रीलंका को 100% ऑर्गेनिक कृषि वाला देश बनाने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त कमी के कारण श्रीलंका लगभग 51 अरब डॉलर के अपने विदेशी कर्जे को चुका पाने में असमर्थ हो गया है। गहराते आर्थिक संकट के कारण प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चीन में श्रम दिवस अवकाश से पहले राजधानी पेचिंग में कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों को और कड़ा कर दिया है। अधिकारी शून्य कोविड नीति के तहत प्रतिदिन नए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। पेचिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक का आयोजन के कारण अलर्ट पर है और यहां एक सप्ताह के भीतर लगभग 300 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। यह दिवस पूरे विश्व में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करना है। और एक सूचना आपके लिए, यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कोस पोर्टल foscos.gov.in पर विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने हर आयु वर्ग के लिए किफायती कीमतों पर विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज से बने उत्पादों की बिक्री शुरू कर दी है।
नई दिल्ली में आहार मेले में उपमा, पोंगल, खिचड़ी, नूडल्स, बिरयानी जैसे रेडी टू ईट उत्पादों का शुभारंभ किया गया है। इन उत्पादों की कीमत 5 से 15 रुपए तक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये सभी उत्पाद 100% प्राकृतिक हैं और इनका पेटेंट कराया गया है। सरकार देश के 100 शहरों के लिए स्वदेशी ऑनलाइन ई कॉमर्स नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य किराना स्टोर और उपभोक्ताओं को अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे बहुराष्ट्रीय प्लेटफार्म का विकल्प उपलब्ध कराना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस ई कॉमर्स नेटवर्क का फिलहाल परीक्षण किया जा रहा है। ये यूपीआई के बाद एक और महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय सिद्ध होगा। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में आज पुरुष हॉकी के फाइनल में मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का मुकाबला गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से होगा। बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय की टीम अब तक सभी मुकाबले जीतकर पूल ए में शीर्ष पर रही, जबकि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय पूल ए में ही दूसरे स्थान पर रहा। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के ही किंग गाखम जेतली सिंह ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। शुक्रवार को किंग गाखम ने पुरुषों की व्यक्तिगत तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सिंह ने टारगेट ओलंपिक्स पोडियम योजना टॉप्स के लिए पात्रता हासिल कर ली है और उन्हें 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सकता है। नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से पराजित कर दिया। एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। आज शाम 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना लखनऊ सुपर जॉयंट से होगा। शाम 7:30 बजे पुणे के एमसीए स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। तिरुवनंतपुरम में पहले केरल खेल आज से शुरू हो रहे हैं। केरल ओलंपिक्स संघ इन खेलों का आयोजन कर रहा है। राज्य के खेल मंत्री वी अब्दुल रहीमन ने कल शाम केरल विश्वविद्यालय स्टेडियम में इनका औपचारिक उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। कार्यक्रम के लिए प्रत्येक सप्ताह एक विषय का चयन किया जाता है। अतिथि वक्ता या विशेषज्ञ इस विषय के बारे में व्हाट्सएप या ईमेल पर आए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अभ्यास की अगली कड़ी 7 मई को प्रसारित की जाएगी। इस कड़ी के लिए विषय है लोक प्रशासन। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 4 मई है। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आप तक पहुंचा रहा है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। मंडलाकारम व्याप्तम ये श्री गुरवे
1897 को स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के निकट बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक संगठन है जो वेदांत के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के अलावा ये संगठन भारत में व्यापक शैक्षिक और परोपकारी कार्य भी करता है। स्वयं को संपूर्ण बनाना और सेवा करना स्वामी जी के आदर्श थे और वो जीवन भर इन पर बल देते रहे। उनके आदर्श कर्म योग पर आधारित थे। रामकृष्ण मिशन जाति, पंथ, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता, स्त्री पुरुष या किसी अन्य प्रकार के भेदभाव के बिना एक सदी से अधिक समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और पुनर्वास के क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चाकी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रफुल्ल चाकी 1 मई 1908 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम से हमला किया। आधी रात तक पूरे कोलकाता में ये खबर फैल गई। पुलिस ने 1 मई 1908 को वैनी रेलवे स्टेशन से खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बम फेंकने के बाद प्रफुल्ल चाकी दूर निकल गए और समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां रेलवे कर्मचारी त्रिगुणाचरण घोष ने उन्हें पहचान लिया और उनकी मदद करने का आग्रह किया। त्रिगुणाचरण प्रफुल्ल चाकी को अपने घर ले गए, उन्हें भोजन कराया और उन्होंने चाकी के लिए रेल के टिकट का भी इंतजाम कर दिया। प्रफुल्ल चाकी 1 मई को समस्तीपुर से हावड़ा की रेलगाड़ी में बैठे। ब्रिटिश पुलिस में उपनिरीक्षक नंदलाल बनर्जी भी उसी डिब्बे में यात्रा कर रहा था। उसने बातचीत के दौरान ये भांप लिया कि एक दिन पहले हुए बम हमले में शामिल दूसरा क्रांतिकारी सामने बैठा प्रफुल्ल ही है। जब प्रफुल्ल पानी पीने स्टेशन पर उतरे तो नंदलाल ने मुजफ्फरपुर पुलिस थाने टेलीग्राम किया। पुलिस अगले स्टेशन मोकामा घाट पहुंच गई, जहां नंदलाल बनर्जी ने प्रफुल्ल को पकड़ने का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने ही रिवॉल्वर से अपने सिर में 2 गोली दाग दी। प्रफुल्ल के निधन के बाद पुलिस निश्चित रूप से उनकी पहचान करने में सफल नहीं हुई, इसलिए उनके पार्थिव शरीर का सर काटकर कलकत्ता भेजा गया। ब्रिटिश पुलिस के इस बर्बर व्यवहार का क्रांतिकारियों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने प्रफुल्ल चाकी की हत्या का बदला लेने की ठानी और क्रांतिकारी श्रीशपाल और रानेन गांगुली ने उस उपनिरीक्षक नंदलाल की हत्या कर दी जिसने प्रफुल्ल चाकी को पकड़ा था। भारत माँ के महान सपूत प्रफुल्ल चाकी को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। ये आकाशवाणी है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास 5,67,00,000 मीट्रिक टन और सिंगरेनी कोलरीज कंपनी के पास 47,00,000 मीट्रिक टन कोयला है। मंत्रालय के अनुसार कैप्टिव कोल ब्लॉक्स के पास 23,00,000 मीट्रिक टन कोयला है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ई कॉमर्स कंपनियों को सलाह दी है कि वे उपभोक्ताओं को वायरलेस जैमर की न तो गैर कानूनी तरीके से बिक्री करें और न ही इसकी सेवा उपलब्ध कराएं। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने बताया है कि बिना अनुमति या लाइसेंस के किसी भी वायरलेस उपकरण की बिक्री और इसका उपयोग गैर कानूनी है।
और अब मौसम। दिल्ली में आज लू चलने की आशंका है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर में आमतौर पर बादल रहेंगे, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और रवि, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद चंद्रिका। न्यायपालिका पर आम लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए अदालतों में स्थानीय भाषा के इस्तेमाल को अहमियत देने के प्रधानमंत्री के आह्वान को आज लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। विचाराधीन कैदियों पर अदालतें ध्यान दें और न्यायपालिका विधायिका में संतुलन से देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था बनाए जाने के प्रधानमंत्री के वक्तव्य भी अखबारों की सुर्खियां बने हैं। देश के 29वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में जनरल मनोज पांडे के पदभार संभालने को अखबारों ने चित्र सहित दिया है। चीन की कंपनी शाओमी पर शिकंजा कसने और गैर कानूनी तरीके से बैंक खातों में जमा पूंजी को विदेश भेजने पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई भी लगभग सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में कोविड की स्थिति और बड़े पैमाने पर लगातार हो रहे टीकाकरण को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर लिया है। जनसत्ता ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गर्मी की भीषण मार और मौसम के हालात को बड़ी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 122 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा इस बार अप्रैल। अमर उजाला की खबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज पूरे किए 100 वर्ष। आज होने वाले एक समारोह में उपराष्ट्रपति DU पर एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मंगल ग्रह की सतह पर मलबा बिखरा दिखा तो नासा के वैज्ञानिक भी हो गए हैरान। यहां 70 फुट का पैराशूट और कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी मलबे में शामिल है। हरिभूमि ने लिखा है, साल का पहला सूर्य ग्रहण मध्य रात्रि 12:15 से शुरू हुआ और सुबह 4:07 तक रहा। वैज्ञानिकों ने इस दुर्लभ खगोलीय घटना को ब्लैक मून कहा। इसमें चंद्रमा को कोई रोशनी नहीं मिलती है। दैनिक ट्रिब्यून ने परंपरागत चारपाई बुनाई उत्पाद निवार पर विशेष आलेख में बताया है कि हरियाणा के गोहाना में लकड़ी की खड्डियों की जगह ऑटोमेटिक मशीनों से उतनी ही लागत में मजबूत और खूबसूरत निवार उद्योग चल रहा है। पत्र ने लिखा है, शहरों में घटती मांग के बाद भी इस उद्योग ने चुनौतियों से मुकाबला किया और आज ये सेना के टेंट और अन्य क्षेत्रों के लिए अपने उत्पाद बना रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आसान और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया। न्यायिक व्यवस्था से लोगों के जुड़ाव के लिए अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा कल से शुरू। सरकारी पोर्टल GeM से पिछले वित्त वर्ष में रक्षा मंत्रालय की 15,000 करोड़ रूपये से अधिक की खरीद। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 60% से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा, गोरखनाथ मंदिर हमले का आरोपी ISIS आतंकवादियों के संपर्क में था। उसने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन मुहैया कराया। उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष की चारधाम यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अप्रैल का महीना 122 साल में सबसे गर्म रहा। श्रीलंका में विपक्षी दल महिंदा राजपक्षे सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में आज पुरुष हॉकी के फाइनल में बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का मुकाबला गुरुनानक देव विश्वविद्यालय से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।